बताया जा रहा है कि इलाज के लिए मास अस्पताल मेट्रो मास अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को गोली मारी गई है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्याम नगर इलाके में बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है, फायरिंग की गई है और गोली जो है वो सुखदेव सिंह को लगी है। बड़ी बात यह है कि श्याम नगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और राजपूत कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोगा मेड़ी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जयपुर से ये खबर है, सुखदेव सिंह पर फायरिंग की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, सुखदेव सिंह की अभी हालत कैसी है, कुछ पता चला? देखिए, अभी फायरिंग के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हालत जो है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और उन्हें लेकर के जो मेट्रोमॉस हॉस्पिटल है वहां उनको रेफर किया गया है, वहीं हॉस्पिटल में उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात है कि राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े ये फायरिंग की वारदात श्याम नगर इलाके में हुई, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका घर भी श्याम नगर इलाके में, और यहीं पे अज्ञात हमलावरों ने आज गोगामेड़ी पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद इलाके में दहशत मच गई और फिर लोगों ने फायरिंग के बाद जब आरोपी